What's up guys, I hope you are doing well. Welcome to Siri Educator YouTube channel. Today discuss to history. हमारा चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें हम अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं. आज हम बात करेंगे, पहला टॉपिक है हमारा क्लिमेट एटली की घोषणा. क्लिमेट एटली घोषणा, क्या घोषणा की थी, कब की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लिमेट एटली ने अपनी घोषणा कब जारी की गई, 20 फरवरी 1947 में अपनी घोषणा, यानी क्लिमेट एटली कौन थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा जारी की गई जिसको नाम कहा गया एटली घोषणा या क्लिमेट एटली घोषणा. फिर क्लिमेट एटली घोषणा क्या थी, तो इनकी जो घोषणा थी उसमें था ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, यानी भारतीयों को सत्ता सौंप कर वापस अपने ब्रिटेन चली जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना. लॉर्ड माउंटबेटन योजना, तो इसमें पहला है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 3 जून योजना के नाम से, अन्य नाम है माउंटबेटन योजना का 3 जून योजना. नेक्स्ट है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो कौन सी योजना बनी, तो माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून योजना. नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के रूप में भारत कब आए, तो 24 मार्च 1947. वन लाइनर क्वेश्चन है, बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, बने हुए भी हैं. नेक्स्ट कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए कौन सा प्लान तैयार किया, किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, तो ये डिक्री बर्ड प्लान या फिर इस्मा योजना या फिर डिक्री बर्ड प्लान, किसके द्वारा, माउंटबेटन द्वारा कौन सी योजना प्लान की गई, तो डिक्री बर्ड प्लान या फिर इस्मा योजना. नेक्स्ट है, माउंटबेटन प्लान में किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया, जनमत संग्रह किस प्रांत में प्रदान किया गया, तो बलूचिस्तान में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था, भारत एवं पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन राज्यों का गठन करना, किसका था ये, इस्मा योजना या डिक्री बर्ड प्लान का, क्या था, कि भारत पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन राज्यों का गठन करना. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947. ये सब लेक्चर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ फिजिकल फॉर्म में भी करा रखे हैं, आप जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए. ठीक है, और अभी रिवीजन के तौर पर हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947. पहला सवाल, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया, कब पारित किया, क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली बनता है, तो ये 18 जुलाई 1947 को यूकेपीसीएस 2007 में क्वेश्चन बना था, वर्तमान में बने हुए हैं, तो 18 जुलाई 1947 को. नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किस योजना को स्वीकृति दी गई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किस योजना को स्वीकृति दी गई, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना को. ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो यह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य लक्ष्य था 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो भागों में विभाजित करना तथा नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाना. मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य लक्ष्य बता दिया हमने कि दो स्वतंत्र राष्ट्रों, एक राष्ट्र में से यानी भारत राष्ट्र में से भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित करना, साथ ही नए संविधान निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाना. क्लियर है. नेक्स्ट है, भारत कब स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को हुआ. पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी. ठीक है, नेक्स्ट, भारत कब स्वतंत्र हुआ, भारत हुआ अपना 15 अगस्त 1947. नेक्स्ट, भारत जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके में किस एक पार्टी की सत्ता थी,
यूके में किसकी पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ पे पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस में तक के में पूछा गया 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना जिसके प्रथम गवर्नर एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो गवर्नर जनरल और पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लियाकत अली खान। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। नेक्स्ट 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्तां हमारा राष्ट्रगान जनगणमन किसने गाया था? तो ये एम एस सुब्बू लक्ष्मी द्वारा इकबाल द्वारा रचित गीत हिंदुस्तान हमारा एवं राष्ट्रगान जनगणमन MS सुब्बू लक्ष्मी द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के भारतीयों में पूछ रहा है ना, कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी जी। 21 जून 1948 से 26 जून 1950 तक कौन बने? सी राजगोपालाचारी जी पहले और अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पर, स्वतंत्र भारत की गवर्नर जनरल की पोस्ट पर आसीन हुए थे। देखिए यूकेपीसीएस में भी क्वेश्चन बना है। आई होप आपको इतना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक सम्मेलन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, तो आ जाइए। देखो पीडीएफ फॉर्म में भी रखे, एक स्लाइड में भी है सारे, कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन है वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, तो हमने अलग अलग स्लाइड में बना रखा है। आ जाओ फटाफट देखिए जिससे कि विजुअल अच्छे से हो सके। तो पहला है हमारा, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये 1885 में बंबई में आयोजित कराया गया पहला वार्षिक सम्मेलन। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी जी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो 72 शामिल हुए थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? बंबई में हुआ था 1885 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस में का विलय हुआ? तो ये कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस एवं राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे पहले? तो ये बद्रुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, बद्रुद्दीन तैयब जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की गई? तो ये 1887 के मद्रास अधिवेशन यानी तीसरा अधिवेशन था जहां पर बद्रुद्दीन तैयब जी द्वारा अध्यक्षता की गई। कहां पर? मद्रास में। और पहले मुस्लिम लीडर हैं जिनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बहुत क्वेश्चन बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर? मद्रास में। कब? 1887 में। किसके द्वारा? बद्रुद्दीन तैयब जी द्वारा, पहले मुस्लिम लीडर थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? सर जॉर्ज यूले। कहां पर? इलाहाबाद में 1888 में। देखिए सर जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा सवाल, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वो किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? तो ये की गई थी रहमतुल्ला एम सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया? तो ये वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। एक्चुअली पता क्या हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, तो उसको उसके लिए क्या किया, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीयों द्वारा बनारस अधिवेशन में
क्या हुआ, एक स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। स्वदेशी आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया तो उसका समर्थन 1905 में बनारस अधिवेशन में किया गया। अब सवाल बनेगा बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ये बना अगला, तो किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रहे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यूपीपीसीएस 2021 में भी क्वेश्चन बना है, लेटेस्ट है। फिर है सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूल स्वराज किस अधिवेशन में घोषित किया, तो ये वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान घोषणा की थी। किसकी, मूल स्वराज, है ना। और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। नेक्स्ट कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी। फिर कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, प्रथम विभाजन किसका, कांग्रेस का, और किस अधिवेशन में हुआ, तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन के अंतर्गत क्या हुआ, कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी राज बिहारी घोष जी द्वारा। किसके द्वारा, राज बिहारी घोष जी द्वारा, बोसनी घोष है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पहली बार जनगणमन किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, और वंदे मातरम गीत 1996 में कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। तो पहली बार जनगणमन किस अधिवेशन में, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत गाया गया। फिर पहली बार जनगणमन गण अधिवेशन गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1911 में किसने की, तो विशन नारायण दत्त द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया, तो ये वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो लखनऊ पैक्ट 1916 के अंतर्गत नरम दल और गरम दल कांग्रेस के एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा सवाल कि वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने कब की थी, तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गांधी जी ने मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी, तो कहाँ की थी भैया, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक में की थी। देखिए आरएएस आरटीएस 2010 यूपीपीसीएस यूपीएससी एसएससी एमटीएस में इत्यादि में ये क्वेश्चन बने हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक जो मैं स्लाइड करा रहा हूं आपको, और यहां से सदाबहार हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। 17 मार्च का आपका पीसीएस है और फिर उसके पश्चात एमपीपीसीएस है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये आपकी सीरीज चलाई जा रही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू जी थी। तो देख लो क्वेश्चन बन रहा है, देखो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, और परंतु पहली भारतीय महिला की बात कर रहा है, ये पहली भारतीय महिला की बात कर रहा है, तो कौन थी प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी। क्लियर है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होगी और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होगी, ठीक है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, जस्ट मिनट, सरोजिनी नायडू ने कब और कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी की, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। देखो 1924 में किसने की, महात्मा गांधी जी, कहां पर, बेलगांव में, याद आ रहा है कुछ, कर्नाटक में। मात्र एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी द्वारा, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई, अभी बताया मैंने आपको, तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई,
1929 लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया, तो ये कराची अधिवेशन 1931। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, सदैव क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन बनते हैं निश्चित तौर पे, और आपको मैं एग्जाम आने पर दिखा भी दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करियो, एक दो बार आप इन्हें देख लियो और साथ ही इनकी पीडीएफ में दो तीन बार निकल जाइयो और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लियो, ठीक है। कंपटीशन किसी के साथ नहीं है आपका, कंपटीशन आपका आपके साथ खुद का है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा था जो गांव में हुआ? तो ये 1937 का फैजपुर अधिवेशन, 1937 का फैजपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, तो मतलब पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कहां पर? गांव में। किसने अध्यक्षता की? फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा अध्यक्षता ग्रहण की गई थी हरिपुर की, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की, कब? 1938 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन एक व्यक्ति लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे जो कि पहले शिक्षा मंत्री बने थे हमारी कैबिनेट में। तो कौन थे ये जिसने 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष बने रहे? किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये थे जेबी कृपलानी जी, ठीक है। फिर आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता से पूर्व 1940 का अंतिम अधिवेशन कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो मेरठ में हुआ, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। कहां पर? मेरठ में, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1948 जयपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? 1948 जयपुर अधिवेशन में कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, सीतार रमैया। तो ये था हमारा मेरे प्यारे दोस्तों छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर लेक्चर, और हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, वो भारतीय स्वतंत्रता नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लेक्चर जो टॉपिक चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। अब नया लेक्चर जो आएगा वो पत्रकारिता या संपादकीय से संबंधित होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई उत्साह के साथ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।